रैपर और म्यूजिक कंपोजर योयो हनी सिंह ही अपने प्रशंसकों के दिलों से राज करते हैं। उन्होंने ब्राउन रंग, ब्लू आइज, अंग्रेजी बीट और होर कई सुपरहिट गीत दिए जिन्होंने आज भी लोग प्यार करते हैं। हाल ही के हनी सिंह ने आबू धाबी के चल रहे इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकैडमी अवार्ड यानी कि आईफा 2024 दौरान मीडिया नाल गलबात की। सफलता का असली मूल मंत्र दसिया हनी सिंह ने कहा, जिंदगी दे विच हर काम करन दे लई हिम्मत जरूरी हुंदी है। मैं नवी दिल्ली के एक छोटे जिहे पिंड करमपुरा तो हाँ, अज मैं इत्थे आईफा वर्गे ग्लोबल इवेंट के खड़ा जो मैनू वापस लैके आया। सो वो साहस है हनी सिंह 2010 के दहाके दे विच हिंदी संगीत उद्योग के सब तो वध मंग वाले है जिहड़े कलाकारां विचों एक सन। बायपोलर डिसऑर्डर का शिकार हुए हनी सिंह अपने करियर के सिखर से हनी सिंह बायपोलर डिसऑर्डर का शिकार हुए सन, जिस कारण उन्होंने कई साल तक मनोरंजन इंडस्ट्री तो दूर रहे। इलाज से अपनी इच्छा शक्ति की मदद न संगीत की दुनिया में वापस भरते हैं। सो दस दिए संगीत और कला विच AI की वाधी वरतों बारे पूछे जाते उन्होंने कहा, मैं टैक्नोलॉजी और कला का मिश्रण पसंद है। AI खास करके संगीत लिए अद्भुत है। हनी सिंह ने एक उदाहरण राही इस गल को समझाया। उन्होंने कहा, दिल्ली के एक लड़के अंशुमन शर्मा ने मुहम्मद रफ़ी साहिब की आवाज़ और AR रहमान की रचना योधा अकबर का AI ट्रैक बनाया। जब मैं इसको पहली बार सुनिया मैं सोचा कि अद्भुत से। इस नाल ही सिंगर ने इसकी ज़्यादा वरतों की नू भी गलत करार दिता। उन्होंने अगे कहा, AI होवे, संगीत होवे, टैक्नोलॉजी होवे, कंप्यूटर साइंस होवे, शराब होवे, पार्टीबाजी होवे, किसी भी चीज़ की ज़्यादा वरतों करनी बुरी है। अपडेट लैके रूबरू होवांगे, वेखते रहो लुधियाना लाइव।